द एग्जॉरिस्ट मूवी सन 1973 एंड IMDb रेटिंग 8.3। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं इराक शहर को, जहाँ पर एक मकबरे की खोज हो रही होती है। वहाँ पर फादर पैंगस्टर एक चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है, और इस मूर्ति का नाम होता है पाजूजू। पाजूजू एक प्राचीन काल के राक्षस का नाम होता है, और वह मूर्ति जो भी अपने पास रखता है वह बहुत सी मुसीबतों में पड़ जाता है। फादर उस मूर्ति को ढूंढकर ऐसी जगह छिपा देते हैं जहाँ पर उसे कोई न ढूंढ पाए। फिर हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत होती है, और उस औरत का नाम होता है क्रिस मैकनॉल। उसके साथ उसके दो नौकर भी होते हैं जिनका नाम होता है विली और कार्ल। विली और कार्ल बहुत ज़्यादा एजेड होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है क्रिस मैकनॉल को, जो कि अपने सेट पर जाकर एक शूटिंग में पिक्चर की शूटिंग कर रही होती हैं, और उसके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम होता है ब्रूक। ब्रूक इस फिल्म का हीरो होता है और मैकनेल इसकी हीरोइन होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं फादर डैमन को, जो कि किसी केस पर काम कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं मैकनेल अपने घर पर आती है और अपने इसकी प्रेड कर रही होती है, और इधर फादर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि यह घर वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी मॉम ऐसा करने से मना कर देती हैं क्योंकि उनका पूरा बचपन इसी घर में बीता होता है। इधर हमें दिखाते हैं कि मैकनेल भी अपने सेट की पूरी तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और अपने स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ती है, लेकिन उसकी बेटी भी उसके पास आती है और अपनी मॉम से कहती है मेरा नेक्स्ट डे बर्थडे पड़ने वाला है। फिर दोनों प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि उसके सेट से उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बर्थडे पार्टी कैंसिल हो जाती है। और जब उसकी बेटी रात में सो रही होती है तभी उसका बेड अचानक से हिलता है, जिसकी वजह से वह जाकर सुबह अपने मॉम के साथ सो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं उसकी मॉम को, जो रात में उठ के टहल रही होती हैं, तभी उनको अचानक से कुछ आवाज़ें आती हैं, और उस आवाज़ का पीछा करते हुए जब वहाँ जाती हैं तो उन्हें कार्ल उनका नौकर मिलता है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और कार्ल से कहती हैं तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। फिर हमें दिखाते हैं फादर को, जो कि अपने चर्च में आते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके चर्च में बहुत ही अजीब घटना हुई है, और इधर मैकनेल की बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, इस वजह से वह डॉक्टर के पास आती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे गंभीर बीमारी के बारे में बताते हैं। इस वजह से मैकनेल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमको दिखाते हैं फादर डेमन को, जो कि अपने माँ से मिलने आए होते हैं क्योंकि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है और उन्हें पागलखाने में रखा जाता है। इस वजह से फादर डेमन कहते हैं कि मेरी माँ को यहाँ से निकालने का इंतजाम किया जाए, बट ऐसा नहीं हो पाता है। और इधर मैकनेल ने अपने घर पर पार्टी रखी होती है और वह अपने सभी डॉक्टर दोस्त को और अपने एक्ट्रेस दोस्त को घर पर बुलाती है, लेकिन तभी उसकी बेटी नीचे आती है और डायरेक्टर से कहती है कि तुम सुबह मर जाओगे, और यह कहते ही उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और उस बेबी को वहाँ से लेकर चली जाती हैं और गेस्ट को सॉरी बोलकर पार्टी खत्म हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं फादर को, जो कि अपनी मॉम के डेथ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उन्हें रोड पर भी अपनी मॉम की आत्मा दिखाई पड़ने लगती है, लेकिन ये सब उनके दिमाग का भ्रम होता है। और इधर हमें दिखाते हैं कि मैकनेल की बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, तभी डॉक्टर उसको काबू करने के लिए उसका एक्सरे करने के लिए बोलते हैं, और इधर फादर्स क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। मैकनेल अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वह डॉक्टर से कहती है कि मेरी बेटी को किसी की भी हालत में जल्द से जल्द ठीक कर दो। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं और उसकी बेटी को एक्सरे मशीन लगाने देते हैं, क्योंकि एक्सरे मशीन 1973 में बहुत ही ज़्यादा बेहतर मशीन थी, इस वजह से वो लोग एक्सरे मशीन लगाने के लिए मान जाते हैं। और उसकी बेटी की हालत देखते हुए जब उसका एक्सरे निकालते हैं तो उसके एक्सरे में कोई भी परेशानी नहीं होती है, और डॉक्टर को यह पता चलता है कि उसकी बेटी संपूर्ण रूप से ठीक है। लेकिन जब डॉक्टर उसे बेड पर रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं तभी जाने से उसका बेड हिलने लगता है और वह बेड से काफ़ी ऊंचे ऊंचे उड़ने लगती है। यह सब देखकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और मैकनेल की आँखें इसके ये सब सामने हो रहा था, इसलिए वह डॉक्टर से कहती है मेरी बेटी को प्लीज़ बचा लो, पर डॉक्टर ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि मैकनेल अपने घर पर बहुत से डॉक्टर को बुला लेती है और कहती है मेरी बेटी को किसी भी हालत में ठीक कर दो, लेकिन नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि उसकी बेटी जीने से उल्टी उतर के आती है और खून की उल्टियाँ करने लगती है। यह सब देखकर मैकनेल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वह दूसरी आवाज़ में बात करती है, इस वजह से मैकनेल काफ़ी ज़्यादा डर भी जाती है। फिर उसे डॉक्टरों की मदद से उसे बेड पर बांधकर उसे बेहोशी इंजेक्शन दे दिया जाता है। फिर हमें दिखाते हैं फादर डेमन को, फादर डेमन से मिलने आया होता है एक एजेंट और उसे उसी लड़की के बारे में जानकारी दे रहा होता है जिसे कि हमने देखा था। फिर हमें दिखाते हैं उसी लड़की को जिसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है, अब धीमे धीमे उसका फेस एंड उसके आँखें का कलर धीमे धीमे चेंज होने लगता है, इस वजह से उसकी मॉम घर छोड़ देती हैं और उस लड़की को दूसरे घर में शिफ्ट कर देती हैं, पर घर बदलने से कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर भूत अभी भी होता है, इस वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी उससे मिलने एक अफसर आया होता है और वह अफसर बताता है कि कार्ल
खिड़की से गिरकर नहीं मरा था बल्कि उससे पहले उसे किसी ने मार दिया था और फिर खिड़की से फेंकता था। यह सुनकर मैटनेल बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे पता होता है यह सब मेरी बेटी ने किया था। तभी अचानक से उसकी बेटी अपने सर को 90 डिग्री घुमा लेती है। यह देखकर मैटनेल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह फादर डेमेन से हेल्प मांगने के लिए जाती है क्योंकि डॉक्टर की मदद से उसकी बेटी नहीं ठीक हो रही होती। इस वजह से वह फादर डेमेन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और उसके रिक्वेस्ट पे फादर डेमेन आते हैं उस लड़की की जांच करने, क्योंकि जज का एक रसूल होता है कि जब भी किसी के ऊपर से भूत भगाना होता है तो पहले उसकी जांच की जाती है कि उसके ऊपर भूत है या नहीं। तभी वहाँ पर फादर डेमेन वॉइस रिकॉर्डिंग टेप वहाँ पर लगा देते हैं और उस बेबी की पूरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तब उन्हें यह पता चलता है कि उसके ऊपर सच में भूत है। इस वजह से वह उस टेप को ले जाकर एक स्टूडियो में समझते हैं और स्टूडियो में जब उस टेप को उल्टा लगाया जाता है तो यहाँ पर क्लियर आवाज आती है और उन्हें यह पता चलता है कि उसके ऊपर सचमुच का भूत है। इस वजह से वह चर्च से मदद मांगने जाते हैं और चर्च में फादर डेमेन को पैंगस्टर की मदद लेने का सुझाव देते हैं। इस वजह से फादर पैंगस्टर वहाँ से जल्द आ जाते हैं और वह फादर डेमेन से कहते हैं कि तुम्हें शैतान भटकाने की बहुत कोशिश करेगा पर तुम भटकना नहीं। और इसकी बात सुनकर फादर डेमेन एंड फादर पैंगस्टर दोनों ही मिलकर उस भूत को भगाने के लिए एक्सोरसिज्म करने की तैयारी करते हैं और जब उसके ऊपर बॉली बॉटल छिड़का जाता है तो शैतान की रूह जलने लगती है और फादर बाइबल से प्रे शुरू कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह बहुत जोर जोर से तड़पने लगती है और फिर फादर उसके सर पर क्रॉस रखकर उसे नग जाने का आदेश देते हैं। लेकिन हमें दिखाते हैं कि वह भूत बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि उसकी आत्मा एक शैतान की आत्मा होती है। वह बेड से उड़ने लगता है लेकिन फादर किसी तरीके से उसके ऊपर पवित्र पानी छिड़क कर उसे शांत कर देते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि फादर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और रेस्ट लेने के लिए जब बाहर आते हैं तो फिर वह राक्षस फादर डेमेन को पटकाने की कोशिश करता है। वह उसकी मरी हुई माँ की आत्मा अपने अंदर बुलाकर उसे भ्रमित करता है। तभी फादर पैंगस्टर की डेथ हो जाती है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और भूत फादर पैंगस्टर को मार देता है। यह देखकर फादर डेमेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस भूत को कहते हैं कि मेरे अंदर आ जाओ और उस भूत को जब आदेश देते हैं तो वह भूत निकल कर फादर डेमेन के अंदर समा जाता है और फादर डेमेन जाकर उसी खिड़की से कूद जाते हैं जिस खिड़की से कार कूद कर मरा था। और तभी वहाँ पर वो अफसर आ जाता है और उस अफसर को पता चल जाता है कि यह सब एक भूत का क्रिया धरा है। इस वजह से मैकनेल की बेटी पर कोई केस नहीं बनता है और उसकी बेटी सुरक्षित हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि मैकनेल ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देता है और वहाँ पर फादर डेयर आते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।